उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पुरानी पेंशन बचाओ संघर्ष समिति ने किया सम्मेलन। आपको बताते चले, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडो अशोक रावत ने आज बरेली पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जो पुरानी पेंशन बचाओ संघर्ष समिति जिसको ईपीएस 95 के नाम से जाना जाता है 27 राज्यों में कार्यान्वित है, पुरानी पेंशन के लिए संघर्षरत है। आज हम बरेली पहुंचे हैं, एक बड़ी सभा सम्मेलन कर रहे हैं। हर शहर में राज्य में सभा आयोजित की जा रही है। पिछले 9 सालों से हम ईपीएस 95 संघर्ष समिति को लेकर आंदोलन बचाओ अभियान के तहत हम यहां पर आए हुए हैं बरेली में और आपके सामने है। बिल्कुल जारी रहेगा। अभी हम कल देहरादून जा रहे हैं, वहाँ सभा होगी, उसके बाद दक्षिण भारत में सभाएं होगी, गुजरात महाराष्ट्र में होगी, पूरे हिंदुस्तान में सभाएं होगी। और जुलाई तक, जुलाई के सेशन में अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर उसके बाद अलग निर्णय लिए जाएंगे, हमारी नीतियों में बदलाव किया जाएगा और हम फिर सोचेंगे कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे स्वाभिमान, हमारे वजूद के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके पहले हमारा निर्णय होना चाहिए। हमारा निर्णय, हम कहते हैं सितंबर तक होना चाहिए। अगर सितंबर तक सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो जो 2024 के पहले हमें तो अपनी पेट की भूख के लिए, अपने सम्मान, अपने वजूद के लिए निर्णय लेना होगा। हो सकता है वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में। देखिए, ये ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो पूरे देश के 27 राज्यों में कार्यान्वित है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कमांडर अशोक राउत। हमारा पेंशनर बचाओ अभियान ईपीएस 95 के पेंशनर्स के लिए पूरे देश में जो चल रहा है उसके अंतर्गत हम पूरे देश में सभाएं, मीटिंग्स ले रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज बरेली में हमारे अमरीश अरोरा जी जो है उनके नेतृत्व में यहाँ पे सभा हो रही है। यहाँ प्रांतीय नेता हमारे के एस तिवारी जी, हमारे ओम शंकर तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय वीरेंद्र जी और काफ़ी नेता यहाँ पे आए हुए हैं, जो प्रांतीय लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। हम 6-7 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमने पैसे भरे हैं, वो पैसों का हिसाब हमारा सरकार के पास तकरीबन 20 लाख रुपए होता है, तो 20 लाख रुपए हमारे वापस नहीं मिलते और उसका जो ब्याज कम से कम 15,000 होना चाहिए वो भी नहीं मिलता। हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो है कि हमें कम से कम 7,500 और महंगाई भत्ता मिले दो वृद्धों को 60 साल के ऊपर की ज़िंदगी में, और उसके ऊपर मेडिकल सुविधाएँ मिले। ये मांगे लेकर हम पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारी बरेली में सभा है और इसी सभा के तहत हम लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको उनका हक की याद दिला रहे हैं और उनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री से दो बात मुलाकात हुई, आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, जितेंद्र सिंह जी से, काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई, श्रम सचिव, श्रम मंत्री कई बार, उसके बाद आपके वित्त सचिव, वित्त मंत्री, लेकिन अभी तक हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि इस आने वाले अधिवेशन में हमारा फेवरेबल निर्णय हो जाए, हमारी पेंशन बहाली हो और उसके बाद अगर तब तक नहीं होता है तो हमें भी अपना कुछ अलग निर्णय लेना पड़ेगा, जो बहुत हमारे लिए भी घातक होगा और सरकार के लिए भी घातक होगा। मेरा मार्च हिंदुस्तान के कोने में, कोने कोने से लोग जानकर रास्ते पर आए, रास्ता रोको आंदोलन किया, तब कहीं जाकर उसके बाद भी आज हमारी सरकार जाग नहीं रही है। फिर शंकराव जी ने फिर संघर्ष का बिगुल बजाया, फिर कहा पेंशनर बचाओ आंदोलन फिर ये 1.5 महीना किया जाएगा, जून से लेके जुलाई मई महीने में भी हम आज दर दर भटकते हुए आपके दर पे आए हैं। अशोक राव जी को क्या लेना है आपसे, पेंशनर हम हैं, पेंशन हमारी कम है, वो तो पेंशनर ऐसे हैं कि उनको 80,000 से ज्यादा पेंशन देती है, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्यों हमारे बीच में आए,
क्या आपने कभी सोचा है, क्या पेंशनरों ने कभी सोचा है कि अशोक राव क्यों हमारे बीच में आए हैं? सिर्फ हमारी